नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसहास संस्थाएं पुलिस विभाग द्वारा बाल लैंगिक शोषण बाल विवाह मानव तस्करी जैसे मुद्दों की रोकथाम में हिंसा पीड़ित बालिका एवं महिलाओं की कानूनी परामर्श पुनर्वास एवं न्याय को लेकर जिले में बेहतर काम किस प्रकार कर सकते हैं इसको लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे संजय जैन नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष सुषमा त्रिपाठी जिला विधिक सहायता अधिकारी शक्ति रावत महिला बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग श्रम विभाग सहित महिला प्रकोष्ठ जन सहायक संस्था टीम के कई सदस्यों ने सेमिनार में भागीदारी ली और अपने बेहतर से बेहतर सुझाव दिए। एनजीओ संस्था है हमारी जन साहस संस्था है जिसने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये सेमिनार आयोजित किया है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से और किशोर न्याय बोर्ड की ओर से पीठासीन अधिकारी और भी बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सब ने भाग लिया और महिला और बालकों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को इसमें लिया गया कि उससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है और उन कानूनी प्रावधानों को पालन कराने में क्या अड़चन आती है, किस स्तर पर कौन सी रुकावट है और उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि ये हम सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, उपयोगी सिद्ध होगी। ये एक सामाजिक संस्था है जन साहस, पुलिस अधीक्षक महोदय से उन्होंने निवेदन किया था तो पुलिस नीमच पुलिस और जन साहस ने मिलकर एक सेमिनार रखा था जिसमें माननीय न्यायाधीशगण और महिला बाल विकास के अधिकारी और आदिम जाति कल्याण विभाग एवं जितने भी बच्चों के अब्यूज़ से संबंधित हैं उन्हीं सबको और हमारे पुलिस अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया था। इसमें मुख्यतः जो छोटे बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या उनके प्रक्रिया में क्या क्या रुकावट है, उनके क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं। 11 बजे से 1:45 बजे तक ये कार्यशाला चली है, बहुत अच्छी कार्यशाला चली है और इसमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है और सभी विभागों का भी कोऑर्डिनेशन बना है। विधिक सहायता के सचिव माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संजय कुमार जैन साहब ने इसमें सहभागिता की और बहुत अच्छे हम लोगों को कानूनी बातें बताई। आदरणीय जो किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्षा हैं सुषमा त्रिपाठी मैडम, उन्होंने सहभागिता की, शक्ति रावत ने सहभागिता की और सभी लोगों ने जो है बड़ा अच्छा इसमें बढ़ चढ़ कर बताया है और इस तरह की कार्यशाला भविष्य में भी आयोजित की जाती रहेंगी।